एवरीवन वेलकम टू सी क्लासेस आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा जीएस का कोर्स है वो कैसे आपकी जो जर्नी है इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें वो कैसे आपकी हेल्प करेगा कि जो हमारी ऑफरिंग्स हैं इन दिस जी बैच वो कैसे आपको हेल्प करेंगी इन मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यू सिविल सर्विसिज़ एग्जामिनेशन राइट right? अब जो हमारा बैच फोर है दैट इज़ बिगिनिंग फ्रॉम ऑगस्ट फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन जो क्लासेज हैं जो कॉन्टेंट वीडियोज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू अ शेड्यूल ट्वेंटी ट्वेंटी वन से आनी शुरू हो जाएंगी लेकिन अगर मैं इस कोर्स की वैलिडिटी देखूँ तो ये अंटिल द लास्ट इंटरव्यू ऑफ मे ट्वेंट अंटिल द लास्ट इंटरव्यू ऑफ योर अटैम्प्टवेंटी ट्वेंटी टू दैट इज़ अनटिल मे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अगर होगा तो तब तक ये जो कोर्स है आपके प्लेटफॉर्म पे रहेगा जितने भी वीडियोस हैं जितने भी पी हैं वो आपके प्लेटफॉर्म पे रहेंगे आप उनको अंटिल द इंटरव्यू यू कैन एक्सेस दे ठीक है दिस इज गोइंग टू बी द टाइम लाइन ऑफ दिस कोर्स क्योंकि ये जो बैच है ये ट्वेंटी के अटैम्प्ट के एस्पिरेंट्स के लिए है तो इसकी जो टाइम है वो ट्वेंटी तक ही जाएगी <coughs> उसके बाद अब मैं बात करती हूँ क्यों आपको ये कोर्स लेना चाहिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि यूपीएससी की जो डिमांड है इस एग्ज़ाम की जो डिमांड है बहुत सारी डिमांड्स हैं प्राइमरीली जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड है जिसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं वो है नॉलेज दैट इज नोइंग अ लॉट राइट अब हमारा भी कोर्स के थ्रू यही आइडिया है कि आपको प्रिपेयर कर दे टू फेस एनी ठीक है ताकि अगर आपको प्रीलिम्स में कोई भी एम ऐसा आता है जो आपने कभी नहीं देखा हुआ या डायरेक्टली नहीं पढ़ा हुआ बट आप उसमें भी एक्सक्लूजन लगा कर ठीक है कुछ लिंकेजेस बनाकर आंसर पे डिराइव कर पाए चाहे आप दो ऑप्शंस में ही आ जाए चार में से दो ऑप्शंस पे ही आप यू uh, नो you know, आ जाए फिर भी आप उसको अटैम्प्ट कर पाए क्योंकि प्रिलिम्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है यू हैव टू अटैम्प्ट बिग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एनी उसके बाद ना जैसे आ, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं लेट्स से जो प्लस वन प्लस टू में हम तैयारी करते थे नीट की या आईआईटी की तो उसमें ना आपकी आ, जो एक इंटेलिजेंस लेवल माना जाता है कि एक सर्टन इंटेलिजेंस लेवल होना चाहिए ठीक है फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा फ़िज़िक्स में आ, जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत लिमिटेड थी नो मैटर हाउ मच टाइम यू नो आई यूज़ टू पुट इन यू नो अंडरस्टैंडिंग फिज़िक्स वो समझ में ही नहीं आता था ठीक है तो एक इंटेलिजेंस लेवल आई थिंक होना चाहिए बट अगर मैं यू पी एस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करती हूँ ना तो यहाँ पे आपको इंटेलिजेंस नहीं चाहिए आपको हाई आई नहीं होना है आपको कंसिस्टेंसी परसिवेरेंस मोटिवेशन चाहिए ठीक है कि मैं रोज़ उठ के न्यूज़पेपर पढूं ठीक है जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो जाता मतलब एटलीस्ट दो साल तो आपको पढ़ना ही है ठीक है अगर अगस्त फर्स्ट से बैच शुरू हो रहा है तो जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता इट विल इट विल यू नो कंसिस्ट ऑफ इटली टू ईर्स तो तब तक मुझे रोज उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना है मे बी इनिशियली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा धीरे धीरे आपको कम लगने लग जाएगा अब न्यूज़पेपर पेपर को ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है ना सारी दुनिया ही पढ़ रही है इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सिमिलरली अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो बेसिक्स तो हमारे एन ही बनाती हैं टेंथ तक की एन सी आर टीज इमेजिन फोर्टीन फिफ्टीन ईयर ओल्ड इज ऑल्सो स्टार्टिंग द सेम है ना सो वोट आई एम ट्राइंग टू मेक माई पॉइंट इज आपको इंटेलिजेंट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको कंसिस्ट कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना है और हार्डवर्क भी कैसा मे बी यू हैव टू स्लॉग फॉर सिक्स टू एट आवर्स एवरी डे फॉर टू ईर्वर्स इन लाइन ठीक है तभी आपका एक बेसिक नॉलेज बेस बनेगा अब ना मोस्टली बेल शेप्ड ग्राफ बनाते हैं कि एक सर्टन लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए टू क्लियर द एग्ज़ाम लेकिन अगर आपकी नॉलेज उससे ज़्यादा हो जाती है ना तो आपका जो चांस एग्जाम क्लियर करने का वो और भी नीचे आ जाता है पहले नॉलेज नहीं है तो भी कम है ज़्यादा नॉलेज है तो भी कम है एक सर्टन लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि आप कुछ भी मत पढ़िए जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग इट वो भी विल लीड टू नो अर ठीक है सो दो यू नीड टू नो अ लॉट ठीक है बट एक जर्नलिस्ट अप्रोच रखनी है अपने सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं ठीक है लेट्स से पॉलिटी की एक ही किताब रखनी है शंकर इन्वायरमेंट की एक ही किताब रखनी है जैसे शंकर अब तो द पॉइंट है कि करंट अफेयर्स के ऊपर बिल्ड करना है नोट्स बनाने हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड, सिस्टमैटिक वे में होंगे तभी आपको फ़ायदा देंगे ठीक है <laughs> तो हमारा जो कोर्स है ना हम भी यही कोशिश करते हैं कि हम आपको प्रिपेयर करें टू फेस द अननोन, राइट ठीक है हमारी जो एम सी क्यूज़ हैं या हमारे जो मेन्स आंसर राइटिंग के क्वेश्चन हैं वो इसी तरह से फ्रेम किए जाते हैं कि आपको यू आर प्रिपेयर्ड ठीक है सो इफ़ यू आर फॉलोइंग दैट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रेपरेशन एंड इवन टू एज द एग्जाम ओके सो वट आर वी ऑफरिंग एक एक करके देखते हैं पहले कोई भी सब्जेक्ट शुरू होने से पहले आपको उसकी स्ट्रैटेजी पूरी समझाई जाती है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ तो आपको इन्वायरमेंट कहाँ कहाँ से पढ़नी है कैसे पढ़नी है कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं वो तो सब कुछ यू नो आई विल टेल यू इन अ ओरिएंटेशन वीडियो मैप्स कैसे करने हैं ऑल ऑफ दैट जस्ट टू गिव एन फेवरेट ऑफ आइडिया ठीक है उसके बाद जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होते हैं तो हर एक लेक्चर के बाद आपको कुछ एम सी क्यूज किए जाते हैं थ्री टू फाइव ये एम सी क्यूज का ये फ़ायदा होता है कि आपका एक तो लेक्चर रिवाइज हो गया है ना उसी में से होंगे क्योंकि वो एम सी क्यूज और द अदर इज टू इंकलकेट इन यू द आइडिया ऑफ फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है मतलब जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो ना उसके पी वाई क्यूज एटलीस्ट जो एम सी क्यूज़ हैं वो जरूर देख लिया करो और अगर हिस्ट्री का सब्जेक्ट है या पॉलिटिक का सब्जेक्ट है तो मेन्स के क्वेश्चन भी जरूर देख लिए तो डेली कॉन्टेंट क्लासेस के साथ हमारे एम सी क्यूज आते हैं जो कि आपको ओरिएट करते हैं प्रिलम्स और मेन्स के लिए फिर हमारे करेंट अफेयर्स है प्री क्योर के नाम से आते हैं सब्जेक्ट वाइज ये भी हर रोज फॉलोड बाय uh, हर पंद्रह दिन में वी हैव फिफ्टी क्वेश्चन का टेस्ट फ्रॉम दोज करंट अफेयर्स टू हेल्प यू रिवाइज दोज ठीक है अब ये जो करंट अफेयर्स है ना ये सब्जेक्ट वाइज है ऑब्वियसली इनका जो कंसोलिडेटेड फॉर्म होगा वो हम आगे कवर करेंगे इन आर क्रैश कोर्स ठीक है और इवन जो यू नो कंटेंट लेक्चर्स होते हैं उनमें भी कवर होता है बट ये जो करंट अफेयर्स है ना जस्ट टू अपराइज यू बट वॉट इज हैपनिंग देखो ओवरनाइट आपको <coughs> करंट अफेयर समझ में नहीं आएंगे इट इज़ अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस स्पेशली अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो ठीक है तो धीरे धीरे ही बिल्ड करना होगा तो तभी हम कहते हैं कि आप करंट अफेयर्स देखिए वीडियो की फॉर्म में है आप जितनी बार मर्जी चाहे देख सकते हैं अगर आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि आइडिया इज़ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड अगेन आइट से कि कुछ ऐसे रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं होती है कि आपको समझ नहीं आए कुछ कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफिकल फिनोमिन होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स प्वालिटी के कॉन्सेप्ट हो गए टेक्निकल इको हो गई तो वैसी चीज़ें हैं जिनको दो तीन बार पढ़ोगे फिर भी आपको समझ में आ जाएगा इट्स नॉट लाइक फिजिक्स जो समझ में ही नहीं आता ठीक है तो आइडिया है बैठना अगर एक घंटे का प्रीक्योर आ रहा है तो आप बैठिए और उसको पढ़िए ठीक है उसके बाद मेन्स की आंसर राइटिंग अब हम 108 डेज़ के लिए आंसर राइटिंग करवाते हैं और हर दिन एक ही क्वेश्चन होता है ठीक है अब वो जो कोर्स है ना ये बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है अगर आपको मैं एंड इट इज़ एट अ गैप ठीक है कुछ जैसे सिक्स मंथ्स हम कंटेंट करते हैं उसके बाद हम आंसर राइटिंग शुरू करते हैं ठीक है दी आइडिया इज़ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप चार पाँच क्वेश्चन लिख दो क्या आप नहीं लिख पाओगे एक दिन में मे बी आप एक हफ्ते के लिए लिख लोगे लेकिन आप नहीं लिख पाओगे तो हम वही कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस वाला पॉलिसी है कि आप रोज़ का एक क्वेश्चन लिखिए उसको एक करवाइए ठीक है मॉडल आंसर देखिए वीडियो सोल्यूशन देखिए आपको आइडिया मिलेगा अब जो ये आंसर राइटिंग है ना ये आपको एक बेसिक आइडिया दे देती है ये जैसे एक आंसर में हमारे पास एक इंट्रोडक्शन होता है जिसमें हम हाँ, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका डेफिनेशन फैट्स वगैरह देते हैं फिर बॉडी होती है प्रोज एंड कॉन्स हर एक चीज़ के फिर कंक्लूजन वे फॉरवर्ड ये सब चीज़ें अब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्योंकि तो जो आंसर राइटिंग है ना ये एक स्किल है इवन इफ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड ठीक है उनको आदत होती है बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिखने की आई एम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड हमें आदत होती है पॉइंट्स में लिखने की डायग्राम्स बनाने की चाय होती है इंजीनियर्स हैं वो तो बहुत ही कम लिखते हैं तो हर एक फील्ड से जब आप आते हो आपका डिफरेंट एक वो रहता है ओरिएंटेशन टू राइट आंसर्स इसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको वर्ड लिमिट में आंसर्स लिखने हैं दैट इज़ वन थिंग दैट यू शुड मास्टर मैप्स कैसे बनाने हैं अब जैसे इफ आई टेक एन टपिर एग्जाम्पल जो बहुत तेज़ी से मैप बना लेता है तो उसको एग्ज़ाम में भी उतना ही कम टाइम लगेगा ठीक है वो फिर तेज़ी से तभी बना पा रहा है क्योंकि उस प्रैक्टिस की है तो आंसर राइटिंग एक ऐसा स्किल है जो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा होता जाएगा तो वन जीरो एट डेज उसी के डायरेक्शन में आपकी हेल्प करेगा देन वी हैव प्रिलम्स टेस्ट सीरीज़ जो इनिशियली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री पे हंड्रेड क्वेश्चन हो गए जोग्राफी पे हंड्रेड क्वेश्चन हो गए वो आपको रिविजन में हेल्प करते हैं है ना ऑरिएटेशन में हेल्प करते हैं सिमिलरली जो फुल लेंथ टेस्ट है वो एग्ज़ाम के थोड़े पास रहते हैं वो आपको फर्दर एग्जाम की फील दिलाते हैं प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में कंसोलिडेशन हो जाती है जो भी हम करेंट अफेयर्स पढ़ रहे थे अब तक जो सेग्रीगेटेड थे उनकी कंसोलिडेशन हो जाती है विद स्टैटिक ऑलरेडी कंटेंट वीडियोस में भी हो गई है बट ये जस्ट एक तरह से लास्ट मोमेंट सिर्फ प्री पे ही हम फोकस कर रहे हैं हमने मेंस का सारा पार्ट निकाल दिया ठीक है उसके बाद एस सी के कंटेंट वीडियोस एस से भी देखो 250 मार्क्स हैं जीएस के 1000 मार्क्स हैं तो एस सी के 250 मार्क्स हैं और एस सी भी एक स्किल है आप जब ये नहीं आप कुछ भी रैंडम लिख कर आ रहे हो अगर आप ढंग से ऐसे प्रैक्टिस करते हो एग्ज़ाम से पहले अच्छे चार पाँच एसिस लिख के जाते हो डिफरेंट डिफरेंट यू नो एरिया से एक फिलोसफिकल एक थोड़ा साइंस से हो गया एक थोड़ा वुमेन ओरिएंटेड एक यू नो हेल्थ ओरिएंटेड ऑल दैट तो आपके अच्छे चांसेस हो जाते हैं मार्क्स अच्छे आने के तो ऐसे के कंटेंट प्रोड्यूस भी इस पर हम प्रोवाइड कराते हैं जस्ट टू गिव यू एनी ओरिएंटेशन कि आप कौन से जो डायरेक्शन में जा रहे हो क्या वो सही है कि नहीं अगर आपको इवेल्यूएशन करवाना है उसके लिए वी हैव अ सेपरेट कोर्स उसके बाद डाउट रेजोल्यूशन अब डाउट रेजोल्यूशन के आपके पास वी हैव टेलीग्राम ग्रुप्स हमारा डैशबोर्ड रहता है उस पर आप डाउट लिख सकते हो तो वहाँ पे आपको जो फैकल्टी है वो रिप्लाई करते हैं थ्रू अ कोऑर्डिनेटर ठीक है उसके बाद मेंटरिंग भी है वी ऑल्सो हैव वी आर स्टार्टिंग विद दिस मेंटरिंग थिंग विद दिस बैच ठीक है प्रीवियस बैचेस में भी ऐड हो जाएगा तो ये जो मेंटर है ये ना बिसाइड्स आंसरिंग योर एकेडमिक एक्डेमिकोरीज वो दिल ऑल्सो टेकअप जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना उनको टाइम मैनेजमेंट ये प्रॉब्लम आता है कैसे प्री और मेंस को मैनेज करें कैसे ऑप्शनल को मैनेज करें होल ऑफ वैट उसमें हेल्प कर देंगे आपको ठीक है कॉन्टेंट में हेल्प कर देंगे तो एक तरह से एक इन हाउस मेंटर भी है हमारा वो भी आपको विल प्रोवाइड दैट देन वी ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट यू नो इन कोविड इवन बिफोर दैट जो यू पी एस सी प्रेपरेशन है ना इसको बहुत ही लोनली प्रेपरेशन कहा जाता है और ये लोनली ही होनी चाहिए फॉर एनी वन टू क्लियर बट एट द सेम टाइम आपको काम पीसफुल माइंड से अगर पढ़ना है स्ट्रेस फ्री माइंड से पढ़ना है कई तो कई बच्चे होते हैं जो स्ट्रेस मैनेज ही नहीं कर पाते उनको कोर्स ही बहुत ओवरवेलमिंग लगता है जैसे प्रबलेम से हफ़्ता पहले उनको लगता है मुझे तो सब भूल गया है ना ऑल ऑफ देट या फिर दे आर नॉट एबल टू फॉलो टाइम टेबल ठीक okay. है उसके लिए वी हैव एन इन हाउस साइकोलॉजिस्ट जो हमारे इनरोल स्टूडेंट्स हैं उनको हम दो सेशंस फ्री देते हैं एंड इवन इफ दे आर दे वांट वो वी कैन हैव दैट आल्सो ठीक है तो वो है तो इन हाउस साइकोलॉजिस्ट इज देयर फॉर योर स्ट्रेस मैनेजमेंट यू नीड काम एंड पीसफुल माइंड आपको यू नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आप किसी से बात नहीं कर रहे हो आप पढ़ रहे हो इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ एंगजाइटी ऑल्सो उसके लिए सो वी हैव एन इन हाउस साइकोलॉजिस्ट क्योंकि मैंने आई यूस टू प्रिपेयर आई यूस टू फील दैट स्पेशली जब आप प्री से एक दिन पहले की बात करो या मीन से पहले की बात करो या इंटरव्यू से पहले की बात करो तब तो, तो एक एट पीक होती है जो ये एंग्जाइटी है सो वी नीड टू टॉक टू और अगर एक प्रोफेशनल हो जाए तो क्या ही है ठीक <coughs> है उसके बाद वी ऑल्सो हैव कम्प्लीट इंटरव्यू गाइडेंस ठीक है बट दैट विल कम वेरी लेट सो दिस इज वॉट वी आर ऑल प्रोवाइडिंग ठीक है सो राइट फ्रॉम योर प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज विच कंसिस्ट ऑफ टेंटी फाइव टेस्ट जिसमें फुल लेंथ टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हाफ लेंथ टेस्ट ईको सर्विकेट टेस्ट सब कुछ रहता है टू प्रिलिम्स क्रैश कोर्स टू ऐसे कॉन्टेंट वीडियोज टू आंसर राइटिंग ऑल ऑफ दैट इज ऑल इन कंपलसिंग इन दिस वन कोर्स मेकिंग इट वेरी 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 कॉम्प्रिहेंसिव राइट उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप जब भी बात करते हो या टॉपर्स की वीडियो देखते हो तो रिविज़न पर बहुत स्ट्रेस दिया जाता है दैट इज़ वन आस्पेक्ट यू कैन नॉट इग्नोर तो हम कैसे रिविजन को इंश्योर करते हैं सो वी हैव अ रिविजन ब्रेक एवरी फाइव वीक्स हर पाँच हफ्तों के बाद एक हफ्ते की आपको रिविज़न ब्रेक मिलती है जिसमें कोई क्लास नहीं होगी यू कैन रिवाइज ठीक है उसके बाद वी हैव अ डाउट सेशन अगर आपका कोई डाउट है तो आप फैकल्टी के साथ लाइव इंटरैक्ट कर सकते हैं देन एम सी क्यूज जो डेली लेक्चर्स हैं उसके बाद प्री क्योर के बाद जो लाइक एम सी क्यूज़ हैं वो प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज प्रिलिम्स क्रैश कोर्स ये डिफरेंटली डिज़ाइंड है ताकि आपकी जो क्वेरीज हैं वो भी आंसर होती रहे जितनी ज़्यादा प्रोविजन करोगे उतनी ज़्यादा आपकी क्वेरीज जनरेट होंगी ठीक है प्रिलम्स टेस्ट जब आप सॉल्व करते हो ना तब आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि अच्छा ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आया नीड टू री विजिट दिस टॉपिक अगेन या ये टॉपिक मुझे समझ में आ गया आई कैन नाउ स्किप द रिविजन ऑफ दिस टॉपिक ये चारों माध्यम से आप रिविजन कर सकते हो राइट <coughs> right? उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्राइस की तो हमारा दो तो रहते हैं एक रहता है विद आंसर इवेल्युएशन जो मैंने वन जीरो एट आंसर की बात करी डेली आंसर्स की अगर तो आप विद इवेलुएशन देते हो तो, तो हमारे जो फैकल्टी है वो आपको चेक करके वो आंसर्स देगी मार्क्स देगी अगर आप विदाउट लेते तो हो तो चेकिंग नहीं होगी आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको आंसर मिलेगा आपको इसका वीडियो सल्यूशन मिलेगा आप अपने एंड पे लिख सकते हैं अपने फ्रेंड से उसको रिव्यू करवा सकते हैं ठीक है ठीके? लेकिन हम हमारे एंड से वो चेक नहीं होगा बस तो इतना ही फर्क है लेकिन आई वुड से कि विद आंसर इवेल्यूएशन एक तरह से कीप्स यू ऑन टोज क्योंकि सात दिन का विंडो है सात दिन में आपने वो क्वेश्चन लिखना है तो आप लिखते हो ठीक है एंड यू नो आई शुड भी सेंगे बट बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते चाहे वो विद आंसर वैल्यूजन ले लेते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे आंसर्स नहीं लिखते सी बी एस मतलब ये ना बहुत लीनियर है प्रिपरेशन जितना ज़्यादा आप आंसर्स लिखोगे ना उतना ज़्यादा आपका मेन्स क्लियर करने का चांस बढ़ेगा इसमें कोई दो राय ही नहीं है बिकॉज जब भी आप नया आंसर लिखोगे यू आर इम्प्रूविंग ऑन द प्रीवियस वन एंड द मोर यू राइट एक तरह से वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखती है आपको ठीक है सो गेट योर आंसर्स राइट योर आंसर्स एंड गेट दैम इवेलुएटेड इफ नॉट फ्रॉम आस मे बी फ्रॉम योर फ्रेंड्स फ्राम यू नो मे बी एनी अदर पर्सन दैट यू नो हु इज़ इक्विप्ड टू इवेलुएट प्लीज़ राइट द आंसर्स ठीक है प्रिलिम्स क्लियर करना है तो प्रिलिम्स के टेस्ट भी बहुत बच्चे सॉल्व कर लेते हैं पचास पचास टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं लेकिन मेन्स के टाइम पर कोई पचास पेपर नहीं लिखता है तीन घंटे के आई डोन्ट नो वाई दैट इनर्शिया किसिन बट जो लिखता है वो क्लियर भी राइट right? उसके बाद इफ़ यू थिंक दैट दीज आर बिग अमाउंट्स यू कैन नॉट पे तो आप ई एम आईज के ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं और अगर आप ये सोशो या पॉलिसाइज या ऐसे के साथ कॉम्बिनेशन में लेते हो ठीक है तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट पे मिलता है उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो या स्पेशली एबल्ड हो तो आप हमें मेल कर सकते हो या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो आपके पास अगर वैलिड प्रूफ है हम तब भी आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं द आइडिया इज टू टेक द एजुकेशन एवरी वे राइट सो दैट वॉज अबाउट टू लेक्चर आई होप आई हैव नॉट बोर्ड यू इनफ सो इन केस यू वॉन्ट टू इनरोल यू कैन विजिट आर वेबसाइट दैट इज स्लीपी क्लासेज डॉट कॉम और कॉल ऑन दिस टोल फ्री नंबर एंड यू विल बी यू नो हैप्पी टू हेल्प यू राइट सो दैट्स ऑल एंड एक बहुत ही अच्छा गोट है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फॉर एवरी थिंग टू फॉलो इन प्लेस यू नो बहुत सारे लोग अपने लक को ब्लेम करते हैं ऑल ऑफ दैट तो मुझे लगता है कि जब आप एक सर्टन लेवल ऑफ हार्ड वर्क कर लेते हो ना देन ओनली यू हैव द मॉरल राइट टू ब्लेम दर्टन स्टांसेज और योर लक और वटेवर उस से बियड दो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड आई हैव ऑनेस्टली people पीपल हुव वर्कड हार्ड कंसिस्टेंटली रईट फ्रॉम प्रिलम्स टू देर इंटरव्यू दे हैव क्लियर द एग्जाम बट वो जो hard work करने वाले लोग होते हैं ना वही बहुत कम होते हैं गिने चूँ नहीं होते हैं आप अगर एक क्लास भी ज्वाइन करते हो सौ बच्चों की तो आपको बताए इसमें से चार पांच prelims क्लियर करेंगे एक दो mains क्लियर करेंगे और शायद एक रैंक लेकर आए ठीक है तो बहुत कम रेशो है जो लोग बहुत कंसिस्टेंटली work करते हैं और क्लियर करते हैं okay so that is very less so you want to be in that list or not is a decision that only you can make right so all the best in case there is any issue any doubt we are there for you, right? thank you so much